कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। नकुल भैया कहाँ है? नकुल भैया ओमी ओमी हमारी बात सुनो, दूर रहिए। तूने क्या शराब पी है? हाँ हाँ दादी, हमने पी है। जानती हैं दादी किसकी वजह से? आप बताइए किसकी वजह से, बताइए। हमारे बड़े भैया जिन्हें हम भगवान 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 की तरह मानते थे, ये बड़े भैया जिनके लिए हम पूरी दुनिया से लड़ते रहे, पूरी दुनिया से लड़ते रहे, ये सोच के कि हमारे बड़े भैया सच्चे हैं। उम्मीद तुम इस वक्त सुनने की हालत में नहीं हो हमारी बात। चुप चुप। ये हमारे हमारे बड़े भैया जिनकी जिसकी हम पूजा करते रहे। अरे गोली खाई आपके लिए अपने सिर पर, वो बड़े भैया कितने झूठे हैं और घटिया हैं। मिली सच 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 कह रही थी। इन्होंने मिली की इज्जत हाथ डाला था। उम्मीद तब इज्जत लूटने की कोशिश की थी उसकी, अगर नहीं 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 की थी तो वो आपके कमरे में वो कपड़े क्या कर रहे थे जो मिली ने उस रात को पहने थे? बात सुनो हमारी। आदर्श मानते तो हम आपको अपना, अंदर से मर गए हम। उम्मीद अंदर जाओ अपने कमरे में। अच्छा जानती हैं दादी, मैं हमें सच 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 का पता चला तो हम गए हमारे नीतू जी के पास। माफी मांगेंगे हाथ छोड़ करके। क्या देखते हैं नीतू जी अपने बच्चे के असली पिता के साथ खड़ी है दादी। वो विकी 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 हमारे ड्राइवर, हाँ हमेशा खुश रहेंगे तो। अरे भाई हमने कब मना किया? अब बस एक शिकायत है हमको दादी, हमसे कह दिया होता दादी कि किसी और से प्यार करती है, हम चले जाते, हम चले जाते उल्टे पांव चले जाते, हम पलट के कभी नहीं आते उनके पास में। अरे क्यों कहा हमसे कि हमसे प्यार करती है दादी? हमारी तुझी दूर हो गई हमसे, हम कैसे जिएंगे? एक और बात, कल हम जो काम करने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं वो हम करके आएंगे।
हम तुझी को तलाक देंगे। मम्मी, मम्मी, लेकिन आपकी खातिर नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारी मारी तुझे किसी और से प्यार करती है। काश कि हम आग जैसे गिरे हुए होते हैं, तो हम अपने हाथों से आपका तू चिंता मत कर, मैं उमी को फोन लगाती हूँ और उससे सब बताती हूँ। मैं फोन करती हूँ। हम जानते थे सिमी जी, आप ओमी को फोन जरूर करेंगे। सिमी जी, आप जानते हैं हमारे भाई ने आज क्या किया? वो शराब पीकर घर आया, आपकी बहन नीतू की वजह से, क्योंकि आपकी छोटी बहन अब भी अपने पुराने आशिक के साथ, हमें तो बोलते हुए भी शर्म आती है। प्लीज मेरी ओमी से बात करवाओ। मान जाइए सिमी जी, हमसे बाजी जीतना आसान नहीं, बल्कि आसान तो क्या, नामुमकिन है। अब ओमी तो बेहोश है, उसे कल होश आएगा, इसलिए अब हम सीधा कोर्ट में मिलेंगे। और ओमी नीतू को तलाक दे देगा और आप उसे रोक नहीं पाएंगी। एक तरीका है, अगर आप मिली से कहकर FIR वापस ले लें और अभी से माफी मंगवाएं। नकुल, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम नीतू और ओमी का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? किसी की जिंदगी के साथ ऐसे मत खेलो। आपके इर्द गिर्द जो कोई भी है ना, हम उसे चोट ही नहीं पहुंचाएंगे, मात भी देंगे, हम बर्बाद कर देंगे आप सबको। अरे ये लाइट को क्या हो गया? अरे भाई, कल रात से बिजली नहीं आई अब तक। अरे हाँ हाँ भाई, सारे बिलों का पेमेंट कर दिया, 12/24। ओहो सेठी साहब, अजी आपका परिवार तो आजकल टीवी पर छाया हुआ है जी, आपके यहाँ तो आदमी तुरंत भेजना होगा जी। तमीज, बात करने की तमीज नहीं है। मंजू जी, जरा वो बिजली के बिल वाली फाइल दीजिएगा। नीतू, तू मुझ पर भरोसा रख, मैं कोर्ट की कार्रवाई के पहले ओमी को सब कुछ समझा दूंगी। तो मुझे जिंदगी भर समझाना ही है ना, जब मेरा बच्चा मुझसे पूछेगा कि उसके पापा क्यों नहीं है, मैं उसे समझा दूंगी कि सिमी दी मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। अंकल जी, चलिए टैक्सी आ गई। हम ओमी और नीतू के रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। चलो
बच्चा। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट श्री ओमी सिंह डॉगर तबीयत खराब होने की वजह से कोर्ट की कार्रवाई के दौरान पूरा समय कोर्ट को नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें बुला भेजेंगे। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। ये जानते हुए कि तलाक के मामलों में 6 महीने का इंटरिम पीरियड होता है जिसके दौरान पति पत्नी को अलग अलग रहना होता है, फिर भी तुम्हारे क्लाइंट ओमी सिंह डागर ने स्पेशल केस के तहत इमीडिएटली यानी कि फौरन तलाक का मुकदमा दर्ज किया है, क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? योनर, ये केस सिर्फ तलाक का नहीं है और ये बात मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अपने गवाहों के बयानात के आधार पर। ये केस फ्रॉड, बेइज्जती और मानसिक मानहानि का है। योनर, मेरे क्लाइंट की मेडिकल रिपोर्ट आपके पास है जिसको देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि मिस्टर ओमी पिछले काफी अरसे से मेडिकल सुपरविजन में रहे हैं और इस सब का कारण है उनकी पत्नी नीतू डागर। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने सबसे पहले गवाह को पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। मेरी पहली गवाह है मिसेस सिमरन तनेजा। तो आप नीतू की बड़ी बहन है, राइट? जी। अच्छा, क्या आप ये बताएंगी कि किन हालात में आपकी बहन नीतू और मेरे क्लाइंट ओमी डागर की शादी हुई? वो कुछ महीने पहले नीतू और ओमी डागर की शादी हुई। यानी कि हम ये समझें कि आपकी बहन नीतू डागर और मेरे क्लाइंट ओमी डागर के शादी के समय आपकी बहन के किसी और के साथ संबंध थे और इन्हीं संबंधों के चलते वो प्रेग्नेंट हुई और ये बात पूरा सेठी परिवार जानता था, लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं है। हुआ ये था कि कुछ हालात ऐसे हो गए थे। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त सवालों के जाल में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। आप सिर्फ हाँ या ना में उत्तर दीजिए। हाँ, आप जा सकते हैं। मेरा दूसरा गवाह है मिस्टर राजेंद्र सेठी।
सेठी जी, क्या ये आप बात मानते हैं कि आपकी बेटी नीतू के मेरे क्लाइंट ओमी डागर के ड्राइवर के साथ नाजायज संबंध थे और इसके चलते वो प्रेग्नेंट हुई? जी हाँ, ये गुनाह मुझसे हुआ है और इसका अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। योर ऑनर, मैं आपसे इल्तिजा करना चाहता हूं कि आप मुझे एक ऑल मिस्टर सेठी, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि राजेंद्र जी को अपनी पूरी बात कहने का मौका दिया जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर सेठी, आप जा सकते। योर ऑनर, पिता और बहन के बयानों से बात साफ जाहिर हो चुकी है कि मेरे क्लाइंट ओमी और नीतू सेठी की शादी एक सोची समझी साजिश थी। मिस्टर विक्की दुग्गल और नीतू सेठी के आपसी शारीरिक संबंध थे। और ये बात सेठी परिवार अच्छी तरह से आप ये सब क्यों बात कर रहे हैं? हम ओमी और नीतू के रिश्ते की बात कर रहे हैं तो बुलाइए ओमी को, खड़ा कीजिए नीतू के सामने। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज प्लीज आप बैठ जाइए। क्यों बोल? मिसेस कलावती भल्ला, सेठी परिवार से आपका क्या रिश्ता है? रिश्ता ही तय करने गए थे जी हम अपने बेटे राजीव भल्ला का सिमी सेठी से, लेकिन एन शादी वाले दिन बाय गॉड जज साहब हम तो बच गए। अब आप ही बताइए जज साहब, एक 30 साल की लड़की, वो भी कुंवारी, अपने घर पे बैठी हुई हो तो मन में सवाल तो उठता है ना कि वो 30 साल से अनमैरिड क्यों है। और हमें पता चला जज साहब कि उसका तो एक लड़के से पहले से ही संबंध है। बस जब हमने ये बात सेठी परिवार के सामने रखी तो उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। थैंक यू मिसेस भल्ला, आप जा सकते हैं। थैंक यू वकील साहब। ओमी आ गया। योर ऑनर, मिस्टर ओमी कोर्ट में आ चुके हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें अंदर लेकर आऊं। ऑनर, मेरा अगला गवाह है मिस्टर विक्की दुग्गल। मिस्टर
विक्की दुग्गल, आपका नीतू के साथ क्या संबंध था ये तो कोर्ट जान चुकी है, लेकिन कोर्ट ये जानना चाहती है कि फिलहाल आपके उनके साथ क्या संबंध है। क्या अब भी कोई रिलेशन है उनके साथ? जी हाँ, हम अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और मिलते रहते हैं। We'll be right back.